हेलो फ्रेंड्स सेल्फ नदीम टीम केमिस्ट्री तो आज हम लोग डी टेस्ट सीरीज का डी 11 एलेवन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें तो क्वेश्चन नंबर वन इज विच रिप्रेजेंट एन एलकेन 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 का फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब देखो यहां अगर फाइव रखोगे तो कितना होना चाहिए ट्वेल्व ये तो सही नहीं है मतलब जितने कार्बन हो उसका डबल हाइड्रोजन प्लस टू सीधी सी बात तो देखो सेवन टू जा फोर्टीन और प्लस टू सिक्सटीन तो एलकेन कौन सा इसमें आ जाएगा हमारा फोर बाकी तो एलकेन नहीं है ठीक है इस फॉर्मूले को सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है नेक्स्ट पर चलते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनाट रिजेंट ठीक है ग्रिगनाट रिजेंट का फॉर्मूला क्या होता है आर एम जी एक्स जिसमें हम क्या करते हैं आर एक्स को किसके साथ मैग्नीशियम और ड्राई ईथर ड्राई ईथर के साथ जब मिलाते हैं तो क्या बनता है आर एम जी एक्स ग्रिगनाड रिज ग्रिगनाड रिएजेंट चूंकि बोला है तो आंसर कौन सा चला जाएगा फर्स्ट बाकी वैसे तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो ये भी बनाता है और ये भी बनाता है बट ग्रिगनाट रिएजेंट इज आर एम जी एक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रिएक्शन ऑफ सी एस थ्री बी आर सोडियम भी डाल दिया ये भी डाल दिया प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट बना यहां द रिएक्शन इज कॉल्ड एज वैसे देखो परकिन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता है है ना वो बेंजल पर क्या करते हैं सोडियम एसिडेट डालते हैं लेविट रिएक्शन ऐसे समझ लो हमारे सिलेबस में ही नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन हम जानते हैं तो ये एल्काइल हेलाइड और सोडियम आर एक्स प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ-साथ क्या डालते थे ड्राई इथर। तो इसमें जो ऑप्शन बन रहा है क्या बनता था मेजर प्रोडक्ट एल्कीन मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है एल्केन एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन 2n प्रोडक्ट ऑफ एल्केन क्या देता है 2n प्रोडक्ट ऑफ एल्केन प्रोडक्ट ऑफ एल्केन 2n n इज नंबर ऑफ कार्बन इन द रिएक्टेंट सो न कैन नॉट बी प्रिपेयर मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई दिस मेथड प्रिपेयर बाय दिस मेथड है ना ये बात हो गई खैर कुल मिला के आंसर कौन सा चला गया हमारा फर्स्ट नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकिटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई है ना ये सब होता है मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मोर द प्लस आई मोर द प्लस आर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अब देखो यहां तो चलो ठीक है यहां हाँ, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितना है थ्री यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा नाइन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा सिक्स एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नंबर ऑफ अल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकिटायन बोल सकते हैं अपन ऐसे ना तो बेस्ट इसमें कौन सा आंसर चल जाएगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी नाइन अल्फा एच के साथ ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज फ्रीऑन फ्रीऑन क्या होते हैं क्लोरो फ्लोरोबन क्लोरोबन ना और ये ओजोन डिप्लेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं एक्ट एज ए रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट की तरह काम भी में लिया जाता है तो डायरेक्ट एनसीआरटी से उठाया गया ये सब नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शो ओनली वन ओनली वन ब्रोमोनेटेड एक ही ब्रोमिनेटेड बनना चाहिए तो मैं आंसर एक बार चेक करता हूं टू ये वाला देखते हैं इसको टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन को टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन ये आ गया टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन मतलब नियोपेंटेन एक तरह से क्या है ये नियो पेंटेन अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन करूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ब्रोमीन कहां कहां लगा सकते हो वहां कहां कहां लगा सकते हो कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मिले जैसे एक मान लो यहां पे लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू बी आर अब देखो ये क्या आ गया वन टू थ्री वन ब्रोमो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन यहां तो जगह ही नहीं है यहां तो लगी नहीं सकता अब आप चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, यहां लगाओ स्ट्रक्चर एक ही बनेगा तो ये तो आंसर तो हमारा ये वाला बन रहा है बाकी आप बनाकर देख लेना अलग अलग ही मिलेगा आप चेक कर सकते हो बाकी बनाकर जैसे मान लो फर्स्ट वाला ही टू ब्यूटीन है टू ब्यूटीन है तो ब्रोमीन एक यहां भी लग सकता है एक यहां भी लग सकता है तो एक ही तो मिलेगा नहीं दो तो मिलेंगे ही कम से कम तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा सेकेंड ओनली वन ब्रोमिनेटेड कंपाउंड नेक्स्ट देखते हैं विच आर द फॉलोइंग नॉट फॉर्म बाई ये तो हम जानते हैं सी एच फोर सी एल टू से जब रिएक्ट करता है सी एच थ्री सी एल भी बना सकता है यस ठीक है फर्दर रिएक्ट करके सी एच टू सी एल टू भी बना सकता है फर्दर रिएक्ट करके सी एच सी एल थ्री भी बना सकता है फर्दर रिएक्ट करके सी सी एल फोर बना सकता है गोस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फ्री रेडिकल रेडिकल मैकेनिज्म तो आप जानते हो पहले वाले में तो ये ब्रेक होता है ब्रेक हुआ टू सी एल फ्री रेडिकल बन गया दूसरे वाले में सी एच थ्री एच ये फ्री रेडिकल बना सी एल फ्री रेडिकल ये क्या बनाएगा सी एस थ्री फ्री रेडिकल प्लस एच सी एल फिर सी एच थ्री फ्री रेडिकल प्लस सी एल टू सी एल टू चेन प्रोपागेशन में तो सी एस थ्री सी एल प्लस सी एल फ्री रेडिकल अब ये सी एल फ्री रेडिकल ये सीएल फ्री रेडिकल फिर किसी फिर किसी ये जो सी एल फ्री रेडिकल है वो फिर किसी सी एच फोर को उड़ाएगा सी एच फोर से क्या बनाएगा सी एच थ्री फ्री रेडिकल प्लस एच सी एल तो जो बहुत सारे सी एस थ्री फ्री रेडिकल बनेंगे बहुत सारे सी एस थ्री फ्री रेडिकल जनरेट होंगे वो आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं और कंबाइन कर गए तो ये भी बन सकता है ये तो बनता ही है ये तो बनता ही है लेकिन ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कार्बन कितना है थ्री है क्योंकि सी एस थ्री और सीएस थ्री फ्री रेडिकल टर्मिनेशन स्टेप में यहां तो चेन टर्मिनेशन अब कंबाइन कर गए फर्दर रिएक्शन नहीं होता तो ये थ्री कार्बन का नहीं बन सकता मैक्सिमम क्या बन सकता है ये 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 या मतलब इथेन भी बन सकता so, है इन चेन टर्मिनेशन स्टेप जितने फ्री रेडिकल पॉसिबल हैं सब आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं तो भाई अगर ये कंबाइन भी करेंगे आपस में सीएस थ्री फ्री रेडिकल सी एस थ्री तो इथेन बन सकता है बट प्रोपेन थोड़ी ना बन जाएगा एक कार्बन एक्स्ट्रा कहां से आ गया तो ये वाला नॉट फॉर्मड नॉट फॉर्म तो यही वाला होगा नॉट फॉर्म जो नॉट फॉर्म है नॉट फॉर्म हमारा आंसर यही है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद इथाइल अल्कोहल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रीनाइ रिजेंट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव विद इथाइल अल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच एक्टिव हाइड्रोजन एक्टिव एच मतलब यहां नेगेटिव यहां क्या है पॉजिटिव तो आप जानते हो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है और बेस का भी तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो गया और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा पहले तो क्या बन जाएगा मीथेन बन जाएगा क्या बन जाएगा मीथेन तो आंसर गोज टू फर्स्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं

तो किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट देखते हैं अ हाइड्रोकार्बन फ्लोट कोई चीज फ्लोट क्यों करती है डेंसिटी कम हो इनसोल्यूबल हो ना लाइटर हो इस तरह का तो देखो इट इज इमिसिबल विद वाटर चलो सही है सही बात है इट्स डेंसिटी इज लो एज कंपेयर टू वाटर ये भी सही है इट इज नॉन पोलर ठीक है इमिसिबल हो गया अब देखो ये सारे ना तीनों इंफॉर्मेशन सही है बट उसमें देखो इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है इट इज इमिसिबल एज वेल एज लाइटर देन वाटर मतलब ये सही तो है लेकिन उसमें बेस्ट आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा फोर क्योंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है ठीक है तो इमिसिबल भी है और लाइटर देन वाटर भी है तो दोनों इंफॉर्मेशन किस में है फोर्थ में इसमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है वन टू थ्री ओके okay? तो आंसर कौन सा चला जाएगा फोर्थ आंसर नेक्स्ट वन प्रोपेन इज ऑप्टेन बाय, ऑप्टेन फ्रॉम प्रोपीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड तो प्रोपीन हमारे पास देखो ये हो गया अब इससे हमें क्या बनाना है प्रोपेन बनाना इसका मतलब डबल बॉन्ड उड़ाना है हमें वुड्स रिएक्शन आप ऐसे कह सकतेलाइट कम से कम तो चाहिए ही फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी रिएक्शन की तरह है, बस उसमें से एच टू निकाल दोगे तो ये डबल हो जाएगा बॉन्ड हमें ये डबल बॉन्ड को उड़ाना है तो हाइड्रोजिनेशन कहा गया कैटोलिटिक हाइड्रोजिनेशन तो एच टू और निकल इसमें मैं डाल दू तो ये हाइड्रोजिनेशन होके इसका क्या बन जाएगा बन गया तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा फोर फॉलोइंग डज नॉट गिव एलकेशन विज नॉट गिव एलकेन तो देखो ये सी एस थ्री आई सोडियम इथड ये तो वुड्स रिएक्शन है ये तो देगा रिएक्शन विथ सोडियम एसिटेड विथ सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन ये भी एल्केन मिथेन दे देगा एलेक्ट्रोलिसिस कोल्व इलेक्ट्रोलिस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस देते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से भी क्या बनाते हैं एल्केन ये भी दे देगा इसका देखते हैं इथाइल क्लोराइड है इथाइल क्लोराइड और इसमें एल कोहाली के डाला है एल कोहाली के ओवेज एल कोहाली के क्या होता है बेस और बेस है तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है E2 मैकेनिज्म के थ्रू तो ये निकला इधर से ये इधर चला गया ये क्या दे देगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच एल्कीन दे दिया इसने तो इससे पॉसिबल नहीं ये हमारा आंसर हो जाएगा डज नॉट गिव एलकेन तो ये यह क्या दे रहा है? Alkene. Woods reaction, soda lime reaction, तीनों से बनाते हैं. वन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ब्रांचिंग ब्रांचिंग इन सेम मोलर मास सेम मोलर मास ब्रांचिंग इन सेम मोलर मास ठीक है यस तो पहले तो ये देखो ये तो हो ही नहीं सकता इसमें एट कार्बन है इसमें भी एट कार्बन है इसमें भी, इस भी एट कार्बन है अब जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसमें सबसे ब्रांचिंग कम होगी ये तो सीधा सीधा ही है ना ये तो सीधा सीधा ही है सबसे कर... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बाकी थर्ड और वन में क्या है ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग बढ़ेगा ये बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट कम तो सबसे तो इसमें कौन सा किसका हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दैट इज सेकेंड थर्टीन फोर्टीन चौदह फॉलोइंग डज नॉट डज नॉट डी कलराइज ब्रोमीन तो ब्रोमीन वॉटर ब्रोमिन को डी कलराइज कौन कौन करता है एल्किन कर देता है एल्काइन भी कर देता है तो एलकेन so, नहीं करता एलकेन के पास कोई भी ये नहीं करता है. इसके साथ ब्रोमिन नहीं रिएक्ट करेगा जब तक की लाइट न हो ना तो देखो अब इसमें आंसर देख लो एलकेन कौन सा है इथेन हो गया हमारा रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिस नहीं होगा नेक्स्ट वन व्हाट इज द चीफ प्रोडक्ट ऑपटेन वेन एन ब्यूटेन इज विद ब्रोमीन इन दिखो भाई अब आ गया हमारा एन ब्यूटेन है एन ब्यूटेन हो गया इस पर ब्रोमीन डाल दिया और हाई टेम्परेचर भी डाल दिया तो हाई टेम्परेचर या सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है एल्केन क्या देता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अब देखो यहां से भी एज जा सकता है और यहां से भी एज जा सकता है ये दोनों सेम ही हो जाएंगे तो यहां जो अगर इसको मैं ये बनाऊं ये बनाऊं अगर फ्री रेडिकल तो ये वाला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे थ्री एज कंपेयर टू दिस तो मेजर फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा ये वाला ब्रोमीन यहां पे वापस से अटैक करेगा ब्रोमीन ये अटैक हो जाएगा यहां से तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा हमारा फर्स्ट बन जाएगा मेजर वैसे तो और भी बन सकते हैं बट कुछ नहीं दिया तो मेजर ही टिक करना है आपको ना नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई वुड्स तो आप जानते हो वुड्स रिएक्शन के लिए वुड्स रिएक्शन में जो एलकाइल हेलाइट लेते हैं उसका डबल देता है एल्केन वुड्स रिएक्शन तो कम से कम एक कार्बन का तो लोगे ही, तो कम से कम आपको इथेन मिलेगा तो मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर नेक्स्ट वन सोडियम प्रोपियोनेट है सी एच थ्री सी एच टू सीओ एन ए दिस इज सोडियम प्रोपियोनेट। सोडा लाइम रिएक्शन करा दिया NaOH plus CaO और उसको हीट करा दे तो क्या होता है माइनस ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है सोडियम कार्बोनेट दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन लाइम रिएक्शन तो बचा क्या हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू एच इथेन बन गया इथेन कहा गया इथेन आंसर हो जाए ठीक है एंड नेक्स्ट वन इज विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट आइसो प्रोपाइल ग्रुप देखो आइसो प्रोपाइल का मतलब है सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल होना चाहिए चाहे एक कॉमन नेम में आता है वैसे आई यूपीएससी नेम तो नहीं आता मतलब कॉमन नेम में इसको बता देते हैं कॉमन का पार्ट है तो उसमें क्या होता है कि अगर लेफ्ट साइड या राइट right साइड किनो और सेकेंड लास्ट कार्बन पर चाहे इधर से चाहे उधर से अगर एक मिथाइल आ गया तो आइसो लगेगा अब ऐसा देखते हैं पहला वाला देखो 2 2 3 3 मिथाइल पेंटेन 2 2 3 3 मिथाइल पेंटेन तो इसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल तो आया नहीं है ये तो नहीं होगा दूसरा वाला 2 मिथाइल पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 2 मिथाइल पेंटेन इसके सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल आ रहा है तो मतलब ये वाला सही है आईसो हमारा ग्रुप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वुड्स रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल आयोडाइड पर क्या कर डाल दिया हमने सोडियम इथर क्रॉस वुड्स रिएक्शन हो गया इसका सेल्फ भी बन सकता है मतलब मिथाइल मिथाइल इथेन इसका सेल्फ बन जाएगा सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव और इन दोनों का क्रॉस इन दोनों का क्रॉस सी टू एच फाइव एम ई मतलब ये तो हो गया देखो प्रोपेन प्रोपेन ये क्या हो गया ब्यूटेन और ये क्या हो गया इथेन तो ब्यूटेन भी बन सकता है इथेन भी बन सकता है प्रोपेन भी बन सकता है। आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ थ्री फोर्थ आंसर चला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रिडक्शन ऑफ कीटोन 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 से हमें क्या बनाना है हाइड्रोकार्बन एप्रोप्रिएट रिएजेंट तो आप जानते हो कार्बोनिल ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कौन बदलता है क्ली मेंशन, क्ली मेंशन, और या वोल्फ किश्नर रिडक्शन ठीक है क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या डालते हैं जिंक मर्कियल है, और वोल्फ किश्नर में हाइड्राजीन ग्लाइकॉल तो खैर हमारे पास ये है कन्वर्ट ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकेंड एलुमिनियम कार्बाइड ए एल फोर सी थ्री पर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनाता है मीथेन इसीलिए इसको बोलते क्या है मीथेनाइड है क्या है ये मिथेनाइड मिथेनाइड बोलते हैं इसको एल्युमिनियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड पर जब कराते हैं तो क्या बनता है एसिटलीन बन जाता है मैग्नीशियम कार्बाइड जब कराते हैं तो क्या बनता है प्रोपाइन बन जाता है ठीक है उसी तरह से बीई पर जब कराओगे तो क्या बनेगा एसिटलीन बट बीई पर जब कराओगे तो क्या बना देता है मीथेन इसी में से कोई एक पूछा जाता है मतलब जितना हमने बताया अभी आपको बेरिलियम कार्बाइड पे नेक्स्ट वन मोस्ट साइक्लो साइक्लोलिन तो आप जानते हो मोस्ट ट्रेन कौन सा होता है ये बिकॉज इसमें एंगल एंगल कितना होता है 60 डिग्री का जबकि चाहिए कितना तो आइडियल एंगल से sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अगर देखें तो आइडियल एंगल कितना चाहिए जबकि होता कितना है सिक्सटी तो आइडियल एंगल से अगर किसी में एंगल ज्यादा हो या कम हो तो उसमें, उसको बोलते है, उसमें है. अब तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा होता है यही होता है इसीलिए आप जानते हो कि ये ये एच बी आर के साथ क्या दे देता है एडिशन रिएक्शन दे देता है ये दे देता है उसी तरह से बी आर टू के साथ एडिशन टाइप रिएक्शन जैसे एडिशन रिएक्शन होता है ना उस टाइप बिकॉज ऑफ हाई एंगल स्ट्रेन हाई एंगल आप इसमें H2 डाल दो H2 टू निकल तो उसी तरह से ये एलकेन बना देता है तो ये रिएक्शन पूछे जा सकते हैं इसमें ना रीजन वही है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन च ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म ओजो ओजोनाइड कौन बना सकता है ओजोनाइड ठीक है एलकीन एलकीन एलकाइन बेनजीन ये सब बना सकते हैं क्योंकि ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन अब ध्यान रखना बेनजीन वैसे तो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है बट हमारे सिलेबस में तीन जगह दिया है कहां, कहां दिया है ओजोन ओजोनोलाइसिस में ओजोनोलाइसिस में दूसरा निकल एच टू के साथ भी दे देता है हाइड्रोजिनेशन और तीसरा क्लोरीन क्लोरीन एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहां भी एडिशन रिएक्शन दे देता है तो हमारे एनसीआरटी में तीन जगह है बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड का बाकी नहीं देता बाकी के साथ नहीं है एच बी आर या बी आर टू के साथ नहीं है मतलब हाइलोजेनिक है, एसिड या हाइलोजन के साथ हमें नहीं करना बाकी एल्कीन और जिसे एल्कीन हुआ डबल बॉन्ड सी आप ओजोनाइड ओ थ्री डाला तो ओजोनाइड ऐसे बन जाता है ओजोनाइड ये बन गया तो अब किसके साथ नहीं दिया एल्केन के साथ नहीं देगा क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं एल्केन के साथ ओजोनाइड नहीं बनेगा तो आंसर कौन सा चला जाएगा फोर नेक्स्ट एथीन वेन ट्रीटेड विद बी आर टू सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू तो बी आर टू जब डालोगे आप क्या देगा एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन तो एड कर दो इसको तो एड करोगे तो क्या हो जाएगा बी आर बी वन टू डाई ब्रोमो इथेन वन टू डाइब्रोमो इथेन नेक्स्ट वन हाइपोक्लोरस है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ओ एच सी एल जिसमें इस पर आता है पॉजिटिव इस पर आता है नेगेटिव पहले अटैक इसका होता है तो क्या बनता है सी एच टू सी एच टू सी एल पॉजिटिव अब इसको खोल दो आप और ओ एच माइनस हमारे पास है एंटी एडिशन हो गया तो ये बना देगा C आ, आ, मैं कोई ओरिएंटेशन नहीं दिखा रहा सिंपल जनरल तरीके से लिख रहा हूँ ये बन गया हमारा फर्स्ट अटैक किसका होता है X प्लस मतलब Cl प्लस का हाइपोक्लोरस में अब देखो उसके बाद उसके बाद इसने अच्छा ये बनाना है हमें तो कह रहा आर मतलब सब्सटीट्यूशन मतलब इसको हटाना है इसको हटाना पड़ेगा ठीक है अब रिएजेंट देखो क्या लिखा है एम और आर एम ये तो गलत हो गया ये देखो यहां तो सही है यहां ये गलत है यहां भी गलत है आंसर वैसे तो चला ही गया सेकेंड इसको दिखा देता हूं मैं अगर आप इस पर एक करोगे तो एक सोडियम कार्बोनेट मतलब एन प्लस एच टू सी ओ थ्री का मिक्सचर है तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा कि नहीं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो ये आ जाएगा हमारा आंसर आंसर कौन सा चला जाएगा सेकंड बाकी तो वैसे भी ऑप्शन से बाहर है बिल्कुल ना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट एथाइलिन में बी ऑप्टेन बाई डीहाइड्रेशन ऑफ एच तो आप अब देखो सारे अल्कोहल इथाइलिन बनाना है इजी सा है इथाइलिन बनाना है डीहाइड्रेशन से H प्लस हीट दो ही कार्बन का चाहिए हमें दो कार्बन का चाहिए अब ये तो हो ही नहीं सकता इसमें देखो ये नहीं यही आंसर हो गया सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तो अब आप जानते हो इसमें H प्लस का अटैक होता है तो ये क्या बनता है सी एच टू सी एच टू ओ एच पॉजिटिव ये निकला यहां एच है तो ये क्या बन जाएगा हमारा सी एच टू सी एच टू ठीक है डी ऑफ एल्कोहल है ना एनसीआरटी में है रिएक्शन डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल उसी से है और एक बात और ध्यान रखना कि यहां देखो टेम्परेचर दिया है अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो ये साल्ट बना देता 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथर बनाता है अगर C2H5OH का H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म करते तो ये साल्ट बना देगा अगर 140 तक गर्म करते तो क्या बनता है ईथर C2H5O C2H5O उससे ज्यादा जब हीट करते हैं तब जाकर वो डिहाइड्रेशन देता है तो यहां से भी क्वेश्चन बना सकते हैं डिसियरेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक पर्पल कलर एलकीन तो ये तो बेयर्स रियजेंट बोलते हैं ना कोल्ड डायलूट के जो होता है, ना वन परसेंट वन परसेंट कोल्ड डायलूट केमेनओ फोर इसको क्या बोलते हैं बेयर्स रियजेंट बोला जाता है इसलिए यह कौन सा हो जाता है बेयर टेस्ट एल्कीन का रिएक्शन है एलकाइन का है ना इसमें उसका पर्पल कलर क्या होता है डिसअपियर हो जाता नेक्स्ट वन एलकोहलिक तो सी एच टू एच सी एच टू सी एल एलकोहलिकल कोलिक के ओ एच क्या होता है बेस तो यह कौन सा रिएक्शन देता है एलिमिनेशन ई टू मैके एलिमिनेशन हो गया लो भाई एलिमिनेशन तो क्या बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इथाइली बन गया अब देखो वो कहा है ये वाला फोर्थ आंसर चला जाए ट्वेंटी थ्री थ्री डाई मिथाइल टू ब्यूटेनॉल पहले तो ब्यूटेनॉल बना लेते हैं टू ब्यूटेनॉल ये हो गया थ्री थ्री डाई मिथाइल ये हो गया ना? अब इस पे एच टू एसओ फोर के साथ हीट किया गया है इसको एच टू फोर के साथ हीट किया गया तो देखो क्या होगा ये एच प्लस देगा ये इधर हो गया ये निकल जाएगा ऑग्जोनियम आयन बन के ना तो ये बन जाएगा एम ई सी एम ई एम ई सी एच और ये एम ई -E, कार्बोकेटाइन बन गया कार्बो केटाइन तो कार्बो केटन अगर बन गया तो रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करा लो वन टू मिथाइल शिफ्ट वन टू मिथाइल शिफ्ट तो वन टू मिथाइल शिफ्ट अगर करा लिया तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री इधर ये मिथाइल मिथाइल लिखा हुआ है सब सी एच थ्री यहां आ गया पॉजिटिव फिर इधर सी एच सी एच थ्री सी एच ये हो गया जब कुछ नहीं बोला है तो मेजर प्रोडक्ट ही बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे अब देखो ये यहां से बनने को तो यहां से ही बन सकता है मैं मेजर बना रहा हूं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं तो सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री ये बना टू थ्री डाई मिथाइल टू ब्यूटीन टू थ्री डाई मिथाइल टू ब्यूटीन ये आंसर हो अब देखो यहां पर भी है और इसने बोला हुआ है सिस ट्रांस जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि तो दो डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे तो ये तो नहीं हो सकता आंसर कौन सा चला जाएगा टू थ्री डायमेथाइल टू ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता नेक्स्ट देखते हैं द इंटरमीडिएट अब देखो प्रोपीन इसमें है कहीं कैस पे है प्रोपीन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अब आप जानते हो कि एच सी एल आपने पर डाल दिया अमंग एमंग दैलोजेनिक एसिड ओनली शोन बाई एच बी आर ओनली एच बी आर ओनली एच बी आर एमंग, एमंग एसिड एसिड शोज पर ऑक्साइड पर ऑक्साइड इफेक्ट ठीक है बिकॉज पर ऑक्साइड इफेक्ट एंड मैकेनिज्म इज पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बिकॉज बोथ फॉर एच बी आर बोथ स्टेप ऑफ चेन प्रोपागेशन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर इसलिए वो रिएक्शन आगे चली जाती है बाकी के लिए ऐसा नहीं होता वन ऑफ द स्टेप एंडोथर्मिक होता है इसलिए शो नहीं करते तो ये परऑक्साइड इफेक्ट नहीं शो करेगा तो अब जब परऑक्साइड इफेक्ट शो नहीं किया तो किस मैकेनियम के थ्रू जाएगा कार्बोकेटाइन मैकेनियम तो कार्बोकेटाइन कहां पे सबसे अच्छा बनेगा कार्बोकेटाइन मेजर प्रोडक्ट के लिए ये बन जाएगा मेजर तो चाहे एच सी एल डालो चाहे एच आई डालो दोनों में कैटायन मैगनियम के, के थ्रू ही जाएगा मार्कोनी काफ़ रूल को ही फॉलो करेगा एंटी मार्कोनी काफ़ रूल को सिर्फ एच बी आर फॉलो करता है एसिड में, ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ पोरक्साइड तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकेंड हो जाएगा नेक्स्ट वन ओजोनोलिस ऑफ बीच अच्छा चलो टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल डिहाइड टू मॉलिक्यूल ऑफ एल डिहाइड तो मैं आंसर सीधे कर देता हूं यहां पे बाकी तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओजोनोलिस अब देखो यहां पे ये तो बोला नहीं है कि रिडक्टिव कराना है कि ऑक्सीडेटिव कराना है तो अगर सिर्फ ओजोनोलाइसिस बोले ना कुछ दिया नहीं है रिएजेंट भी नहीं दिया है सिर्फ ओजोनोलाइसिस तो हमेशा रिडक्टिव कराना है ठीक है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस तो ये ब्रेक किया यहां से डबल बॉन्ड ओ लगा दिया डबल बॉन्ड लगा तो क्या मिल जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा सेकंड बाकी में भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ एच बी आर नॉट टेक्स प्लेस अगेंस्ट मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तो फिर से आ जाओ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री इट इज सीमेट्रिकल एल्किन सीमेट्रिकल एल्किल्कि नॉट एप्लीकेबल फॉर ट एप्लीकेबल फॉर मार्कोनिकॉफ्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्योंकि मार्कोनिक ऑफ क्या कहता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम पर जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो कहा कोई ज्यादा कम तो है ही नहीं तो जब कम ज्यादा की बात ही नहीं है तो ना मार्कोनिक ऑफ लग सकता है ना एंटी मार्कोनिक ऑफ तो आंसर कौन सा हमारा बन रहा है इसमें टू ब्यूटीन ही बन रहा है बाकी आप चेक कर लीजिएगा ठीक है टू पेंटीन में देख ले कुछ लो कुछ लोग कहेंगे पेंटीन टू भी तो सही आंसर है सर ले देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री पेंटीन अब इसमें भी तो नहीं है लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है कि नहीं अनसिमेट्रिकल तो आप जानते हो मार्कोनी रूल किसके थ्रू जाता है कार्बोकेटाइन मैग्नियम के थ्रू जाता है और एंटी मार्कोनी काफ किसके जाता है फ्री रेडिकल मैग्नियम के थ्रू जाता है तो वहां से आ जाएगा वहां से ये आ जाएगा और वैसे भी एनसीआरटी में क्या लिखा है इट इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक नॉट एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल इट इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकलिन तो उस बात को पकड़ते हुए ये अनिमेट्रिकल हैिकल है ये अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल कौन सा है थर्ड ही है ठीक है तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा थर्ड तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दैट दर्टी थ्री इस पर हमारे पास है सी एच टू अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपको जैसे पता जिसको है कि मार्कोनी कॉफ या एंटी कॉफ़ किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है उसका सही होगा नहीं तो गलत हो जाएगा और थोड़ा राहत देने के लिए ऑप्शन भी इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई तुक्का भी मारेगा तब भी सही हो जाएगा जैसे देखो टोटल कार्बन कितने इसमें है फोर और सी ओ एच देखो यहां फाइव ये तो हो ही नहीं सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता वन टू थ्री फोर आंसर ही कौन सा जाएगा अगर जाएगा तो फोर जाएगा बाकी मतलब मैकेनिज्म तो पूछा है हमने बट साथ में ऑप्शन भी इस तरह से सेट किया कि चांस किसी को नहीं भी पता तो भी आंसर सही हो सकता है ऐसा भी कर लेते हैं जैसे देखो अब इसमें आपने आर डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पॉरोक्साइड तो फ्री रेडिकल बनेगा फ्री रेडिकल बनेगा अब जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा बी पहले एड होता है तो देखो अगर मैं सी एच टू फ्री रेडिकल सी एच बी आर यहां लगा दू और सी एच टू सी एच टू सी ओ एच इसका क्या लगेगा माइनस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इस पर फ्री रेडिकल को क्या करता है डी स्टेबलाइज करता है कार्बो कार्बोकेटाइन को क्या करता है डी स्टेबलाइज करता है तो अगर मैं बी आर जोड़ूंगा तो फ्री रेडिकल यहां पर आएगा अगर मैं बी आर फ्री रेडिकल यहां पर जोड़ दू अगर अगर बी आर फ्री रेडिकल यहां पर जोड़ वन टू थ्री फोर फाइव यहां पर जोड़ दो तो फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा अगेन माइनस आई तो यहां माइनस आई ज्यादा लगेगा ये लेस स्टेबल है लेस स्टेबल और ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट यहीं से बनेगा मेजर मतलब बी आर तो देखो कैसा है तो अब अब फिर क्या होता है अरे एच बी आर फिर से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या डाल देता है एच तो सी एस थ्री सी एच सी एच होगा यहां पे दिस इज नॉट ये एच टू नहीं होगा ये एच है एक्चुअली ना एच है खैर सी एच थ्री सी एच बी आर ये सी एच टू सी एच टू देखो सी सी एच टू सी एच टू सी एस थ्री सी एच बी आर बी आर उसी के साथ लगा हुआ तो आंसर कौन सा चला जाएगा फोर बाकी तो आंसर बनेंगे ही नहीं तो जिनको मैकेनिज्म याद है वो भी कर सकते हैं और जिनको नहीं भी याद है तो कम से कम कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाएंगे तो जो नंबर ऑफ कार्बन दिए गए हैं यहां पे उससे भी आप अंदाजा लगा के कम से कम आंसर फोर तो करेक्ट कर सकते हो आप ठीक है नॉट डिस्टिंग्विश इथेन और इथिन को अब देखो आयोडीन इथिन के साथ क्या है एडिशन रिएक्शन करेगा एलकेन के साथ नहीं करेगा ब्रोमीन एडिशन रिएक्शन इसके साथ नहीं करेगा तो डिस्टिंग्विश हो रहा है Alkaline, एथीन के साथ डाइ दे सकता है इसके साथ नहीं देगा अमोनिकल यह क्या करता है एल्काइन एल्काइन हैविंग एसिडिक एच एसिडिक एच जैसे मान लो सी एच C... थ्री सी सी एच थ्री मान लो है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है इस पर अगर आप सी यू टू सी एल टू का रिएक्शन कराते हो तो क्या बना देगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी यू सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है उसी तरह से इस पर आप अमोनिकल 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 एजी एनो थ्री टॉलेंस रियजेंट या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप AgNH3 एन एच थ्री ट्वाइस प्लस वन तो भी एसिड बेस रिएक्शन करके वो क्या बना देगा सी एच थ्री ट्रिपल बॉन्ड सिल्वर हाइड्रोजन होना चाहिए ना अब ना इसके पास एसिडिक है ना इसके पास एसिडिक है तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा तो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता इससे क्योंकि तो ना ये एल्कीन से रिएक्ट करेगा ना एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो इससे हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल एल्किन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दे जो जितना ज्यादा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा क्योंकि ये sp2 टू है तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे इसका खींचने का आदत है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है तो जो इलेक्ट्रॉन दे, दे देगा वो उसको स्टेबलाइज कर देगा तो सबसे ज्यादा कहां दे रहा है यहां पे दे रहा आर चार देने वाले हैं कार्बन SP2 कार्बन SP2 का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा तो खींचेगा अब जो ज्यादा उसको दे देंगे वो ही ज़्यादा स्टेबलाइज़ कर देंगे तो कुल मिला के देख लेते हैं कि जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दे वो ज्यादा स्टेबल है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन बढ़ाएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सही है नेक्स्ट देखो <coughs> नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स चलो यहां से देखो आप गैस डी नो किया मतलब डीकलराइज कर रहा है मतलब एलकीन हो सकता है एलकाइन हो सकता है हो सकता है बट कह रहा है कि बट गिव नो प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल की मतलब अल्काइन अल्काइन के पास टर्मिनल पर एसिडिक एच एसिडिक एच नहीं होना चाहिए अगर हो गया तो वो दे देगा आगे बढ़ते हैं और विच गिव द गैसेस डज नॉट गिव प्रेसिपिटेड विद ठीक है बट डी कलर एक ही बात हो गई ना तो वो कौन सा होगा अब देखो एसिटिलीन िन के पास तो एच ये तो KMnO4 फोर को भी डीकलराइज करेगा और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी दूसरा ये एल्केन है ये एल्केन है ये तो हो ही नहीं सकता अब देखो इथीन हो सकता है इथीन मतलब सी एच टू ये KMnO4 फोर के साथ रिएक्ट करके KMnO4 फोर को डीकलाइज करेगा बट देर इज नो एसिडिक एच तो ये अमोनिकल Cu, Cu, सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा थर्ड नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरॉल टू गिव टू 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 क्लोरोनॉल ये बनाना है हमें और हाइपोक्लोरस एसिड एच ओ सी एल के साथ रिए दो कार्बन का हमें चाहिए तो इथाइलीन आंसर हो गया हमारा ना सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इथाइलिन हो गया आंसर ठीक है नेक्स्ट वन द ओलिफिन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स प्रोपेनल डिहाइड और देखो प्रोपेनल डिहाइड सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच और क्या हमें चाहिए C डबल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री ये टोटल मतलब टोटल कितने कार्बन रहे होंगे उसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव ये तो नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता क्योंकि दो ही चार ही कार्बन है अब देखो फाइव कार्बन का ये है फाइव कार्बन का ये अब कभी भी ऐसा हो ना तो आप जानते हो कि एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो ऐसे ब्रेक करते हैं और यहीं पे डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो लगाते हैं मतलब अगर मैं इनको हटा दूं तो ये जोड़ दूंगा तो मैं उसी को हटाकर एल्कीन ऐसे बनाना होता है मतलब ये हटाओ और इनको ऐड कर दो तो, तो क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री जब ओजोनोलिसिस किया तो इनको तोड़कर यही डबल बॉन्ड ओ लगाया था तो डबल बॉन्ड ओ हटाओ तो वापस एल्किन बन जाएगा तो क्या हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव टू पेंटीन आंसर हो गया हमारा ये आ गया हमारा फोर्थ आंसर नेक्स्ट वन एडिशन ऑफ एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ पोरॉक्साइड प्रोपीन डबल बॉन्ड सी एच टू एच सी एल इन ऑफ पोरक्साइड तो आप जानते हो सिर्फ एच बी आर पर ऑक्साइड इफेक्ट देता है एच सी एल एच आई नहीं देते। किस मैगनियम के थ्रू जाएगा कैटायन मैगनियम के थ्रू जाएगा मार्कोनी तो सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच थ्री टू टू क्लोरो प्रोपेन आंसर हो जाएगा कंपाउंड मोस्ट लाइटली डीकलराइज सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट के एम एन ओ फोर का कलर कैसा होता है पर्पल अब पर्पल कलर को कौन डिसअपियर कर सकता है एलकीन ना एलकाइन ये दोनों कर सकते हैं तो देखो ये तो एल्केन है ये नहीं करेगा ये एरोमेटिक है एरोमेटिक एरोमेटिक वाले एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं सिर्फ किसके साथ देते हैं ओजोन निकल H2 टू वाला निकल पीटी पीडी एच और क्लोरीन लाइट के साथ बाकी के साथ नहीं होता हाँ ये देखो हो जाएगा ये एल्केन है इसके साथ नहीं होगा एलकीन एल्काइन के साथ होगा नेक्स्ट वन द कंपाउंड दैट विल गिव एन आइसोमर ऑफ टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन के आइसोमर कौन से होते हैं के आइसोमर कौन से होते हैं एक तो भैया चलो पेंटेन ही हो गया और एक क्या होगा आइसोपेन्टेन होगा ये होगा ये इनके आइसोमर है प्रोपेन ऑन कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन कंपाउंड दैट विल गिव एन आइसोमर ऑफ मतलब वो कह रहा है कि टू टू ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन एच टू लगाए तो वो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन के आइसोमर्स दे सकता मतलब या तो ये दे दे या ये दे दे ये बनाना है कुल मिला के हमें अब देखो इस पर अगर डालोगे तो ये तो मिल जाएगा ये वन टू थ्री ये नहीं मिलेगा है ना ठीक <coughs> है ये देखो ये भी मिल जाएगा अगर इस पर एच टू निकल डाल देंगे तो ये दे देगा ये भी पॉसिबल है इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये तो गड़बड़ हो गया तो आंसर कौन सा चला गया ए और सी थर्ड आंसर चला गया कौन ऐसा कौन कौन से ऐसे हैं जो हाइड्रोजन डालने पर टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन का आइसोमर मतलब ये या ये दे या दोनों दे दे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोपीन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और इसको क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया तो आप जानते हो एन बी एस एन बी एस या क्लोरीन एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या देते हैं एलाइलिक सब्सटीट्यूशन देते हैं एलाइलिक सब्सटीट्यूशन एलाइलिक सब्सटीट्यूशन या बेन्टीट्यूशन बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एलाइलिक सब अगर ये टेम्परेचर नहीं रहता सिर्फ सी एल टू डालते तो एडिशन रिएक्शन दे देता है यहां पर तो एलाइलिक पोजिशन ये है यहां पर आ जाएगा सी एल टू तो सी एल सॉरी सी एल सी एच एलाइलिक बेनजाइलिक सीएल टू एट वेरी हाई टेम्परेचर या एन बी एस डालते तो ब्रोमीन आ जाता वहीं पर एलाइलिक बेंजाइलिक सब्सिट्यूशन देते हैं ना ओजोनोलिसिस ऑफ टू मिथाइल टू ब्यूटीन टू मिथाइल टू ब्यूटीन लो जी टू मिथाइल टू ब्यूटीन हो गया इसका हमें ओजोनोलाइसिस कराना है मतलब कौन सा कराना है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कुछ बोला नहीं है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड क्या मिल गया एम ई सी डबल बॉन्ड ओ एम ई ये एम ई -E हो गया ये एम ई -E हो गया यहां भी एम ई -E हो गया और क्या मिला एम ई सी एच ओ एसीटोन प्लस एसीटल डी तो क्या कह रहा है इल्ड ओनली एल डी तो गलत हो गया ओनली कीटोन कीटोन भी है और एल डी भी आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा थर्ड कीटोन भी दे रहा है और एल डी भी दे रहा है इथाइल एल्कोहल हीटिंग विद कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर ठीक है कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर देखो सी टू एच फाइव ओ एच को हीट करो आप हीट करो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के साथ तो क्या देगा सी टू एच फाइव ओ एच पॉजिटिव एच बना देता है सॉल्ट लेकिन अगर इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसनट्रेटेड के टू हीट किया जाए तो यह इथाइल इथर दे देता है डाई इथाइल इथर और 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंसंट्रेटेड एस टू फोर के साथ अगर हीट कर दोगे तो ये क्या देगा इथाइल लीन दे देगा इथाइल दे, दे देगा अब दिक्कत ये है कि इसने बोला सिर्फ हीट तो ऑप्शन में तो सारा ही दे सकता है सिर्फ टेम्परेचर तो दिया नहीं है अब अब इसमें ये है नहीं ये है नहीं तो ये हो जाएगा आंसर कौन सा चला जाएगा थर्ड सी टू एच फोर ठीक है तो प्री डोमिनेंट प्रोडक्ट थ्री मिथाइल टू पेंटीन पेंटीन पेंट टू पेंटीन थ्री पर मिथाइल थ्री मिथाइल टू पेंटीन ठीक है अब इस पर एच ओ सी एल तो ये तो पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया यहां सी एच है ये सी एच थ्री है ये सी एच टू ये सी एच थ्री मार्कुनी काफ रूल भी लगा सकते हो आप तो निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे तो तो Cl इसका मतलब यहां पे जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एल सी ओ एच एम ई एम ई इसको मैं लिख दिया मिथाइल को सी एच टू सी एच थ्री नंबरिंग यहां से ही होगी वन सॉरी 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 यहां से नंबरिंग कर लो क्योंकि इधर से तो सेम थ्री पे थ्री पे आएगा तो लोवेस्ट लोकेंट लगा देते हैं यार देखो फिर से डबल बॉन्ड सी ये हो गया ये हो गया मिथाइल यहां पर H है यहां सी एच थ्री है यहां सी एच टू है यहां सी एच थ्री इस पर करा दिया एच सी एल पॉजिटिव नेगेटिव मार्कोनी काफ रूल भी लगा सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा तो सी एच थ्री सी एच सी एल सी ओ एच एम ई सी एच टू सी एच थ्री ये आना चाहिए आंसर अब ऐसा आंसर कहाँ पे है मिथाइल के साथ ओ एच ये आ जाएगा तुम्हारा ये वाला देखो ये आ जाएगा थर्ड आंसर हमारा हो गया ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं द प्रीडो अच्छा ये फोर्टी फाइव ही था नेक्स्ट ये देखो इसको क्या बोलते हैं ऑग्जी मर्क्यूरेशन ऑग्जी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन और ये क्या देता है मार्कोनी कॉफ्स प्रोडक्ट मार्कोनी कॉफ्स प्रोडक्ट विदाउट एनी रीअरेंजमेंट विदाउट विदाउट एनी रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट नहीं होता इसमें विदाउट एनी रीअरेंजमेंट तो नेगेटिव पार्ट ये आ जाएगा वाटर यहां पे, यहां पे आ जाएगा ये यह वाटर यहां पे आएगा यह एच विदाउट एनी रीअरेंजमेंट तो आंसर कौन सा चला जाएगा इसमें फर्स्ट आंसर चला जाएगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ रिएिविटी टूअर्ड एस सी एल तो देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है सी सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू है और CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH CH3 HCl HCl हमें क्या देगा H पॉजिटिव H पॉजिटिव का अटैक होना है मतलब ये सब किसका काम कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का और ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का या ये एसिड है तो ये सब बेस का, का काम कर रहा है अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही जल्दी देगा तो देखो यहां दो डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं एक ही कार्बन पे यहाँ पे एक कार्बन पे एक ही लगा है या एक ही लगा है यहां तो वो भी नहीं सबसे ज्यादा न्यूक्लियो फिलिसिटी किसकी है इसकी बेसिक बिहेवियर या न्यूक्लियो फाइल तो मोस्ट हो जाएगा कौन सा सेकेंड और लीस्ट कौन सा हो जाएगा फर्स्ट सबसे ज्यादा हो गया सेकेंड और सबसे कम हो गया फर्स्ट ये आंसर आ जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा हुआ है ठीक है कार्बो से भी करते तब भी आ जाता ऐसे भी कर सकते हो तो देख लो इसमें देखो यहां पे क्या हुआ होगा ओ OH एच निकला है और एच निकला है तो एच टू निकला है दिस इज माइनस ऑफ एच टू तो क्या हो गया डिहाइड्रेशन हो गया इवन के थ्रू होता है ना डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाई इवन मैकेनिज्म फोर के साथ क्या डालते हैं हीट डालते हैं नेक्स्ट फॉरिंग रिप्रेजेंट गिवेन मोड ऑफ हाइबडा एस पहले एस पी टू एस पी टू एस पी एस पी लेफ्ट टू राइट ये क्या लिखा है लेफ्ट टू राइट देखो तो ये एस टू हो गया एस पी टू एस पी एस पी लो पहला ही आंसर आ गया इसमें तो पहले एस पी एस पी आ जाएगा एस पी टू एस पी एस पी एस पी टू ये गलत हो गया तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा फर्स्ट बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये भाई ये डबल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है एस पी टू एस पी टू ये सारे एस पी टू हो गए आंसर कौन सा इजी सा था ये सब मार्कोनी रूल डज नॉट डज नॉट फॉलो मार्को मार्कोनी रूल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन सिमेट्रिकल जो एल्कीन होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं. तो सिमेट्रिकल कौन सा देखो यही सिमेट्रिकल बाकी सब अनसिमेट्रिकल आंसर सिकेंड सिमेट्रिकल एल्कीन फॉलो नहीं करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ टू फिनाइल प्रोपीन पहले तो प्रोपीन बनाते हैं और टू पर फिनाइल लगा दिया ये हो गया सी एच ये हो गया सी एच थ्री सी एच टू टू फेनाइल एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोजन मतलब H प्लस वाटर डालना है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच थ्री ओ पॉजिटिव तो H प्लस का पहले अटैक हो गया इस पर कार्बो कैटाइन अपन बनाएंगे और कार्बो कैटाइन वो बनाएंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो तो यहीं पे बना लेते हैं कार्बो कैटाइन क्योंकि तो यहाँ वाला कार्बो कैटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज अब देखो अब इस पर अब इस पर वाटर का रिएक्शन कराओगे वाटर तो ये फाइनली ये क्या बना देगा एल्कोहल बना देगा फाइनली ये दे देगा एल्कोहल लो बन गया ये, ये बन गया तो टू फिनाइल टू फिनाइल टू प्रोपिनॉल देखो वन टू थ्री टू फिनाइल टू प्रोपिनॉल ऐसा कहीं पे है ये आ जाएगा टू फिनाइल टू प्रोपिनॉल ये आ रहा है हमारा आंसर नेक्स्ट एन हाइड्रस एल सी एल थ्री बेंजीन ये कह रहा है कि एन हाइड्रस एल सी एल थ्री लेना है और हमें बनाना है इथाइल बेंजीन बनाना है इथाइल बेंजीन बनाना है ठीक है सी टू एच फाइव या इसी को ई टी भी बोलते हैं इटी अब देखो इस तो ये क्या है लुइस एसिड है लुइस एसिड तो लुइस एसिड लुइस बेस कहां पर रिएक्शन हो सकता है सीधा सीधा आंसर है थर्ड ना सी एच थ्री सी एच टू सी एल लुइस एसिड लुइस बेस रिएक्शन ये निकला ये क्या बनाएगा कार्बो कैटायन बना देगा अब इस पर जब आप बेंजीन पर बेंजीन तो हमारे पास है ही यहाँ पे देखो बेंजीन भी है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नेक्स्ट मेटालिक कार्बाइड ट्रीटमेंट विद वाटर गिव कलरलेस गैस बर्न एयर एंड प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब ऐसा बनना चाहिए गए जिसके पास एसिडिक एच हो तो कैल तो आप आ, आंसर ही हो गया सीधे एसीटलीन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये दे देगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट और ये वाटर कैसे बनेगा सी एसिड कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर रिएक्शन कराते हैं तो बनता हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला दिज एब्सॉर्व वन मॉलिक्यूल ऑफ एच टू वन मॉलिक्यूल सिर्फ एच टू एब्सॉर्व कर सकता है कौन एब्सॉर्व करता है एल्किन भी कर सकता है एलकाइन भी कर सकता है एब्जॉर्व बेनजीन भी कर सकता है बट बेनजीन थ्री एच टू को एब्सॉर्व कर सकता है एक एल्काइन टू एच टू को एब्सॉर्व कर सकता है एक एलकीन एक डबल बॉन्ड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किन एक ही डबल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है तो एक एच अब देखो साइक्लोहेक्सेन ये तो हो ही नहीं सकता बेंजीन ये नहीं हो सकता साइक्लो आंसर ही हो गया कौन सा साइक्लोहेक्सेन ठीक है अब आप साइक्लोहेक्सेन को आगे भी बढ़ा सकते हो साइक्लोहेक्सेन को आगे भी बढ़ा अगर इसका मैं ओजोनोलिसिस कर दू ओजोनोलाइसिस तो डबल बॉन्ड ओ यहां पर आएगा यहां पर आएगा तो क्या हो गया देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच यही बनेगा आप देख सकते हो साइक्लोहेक्न के लिए तो दो तरह से हिंट था इसके अंदर वन ब्यूटाइन पर इसका रिएशन कराना है सी एच थ्री सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच तो इसमें क्या डालना है एच एसओ फोर प्लस एच टू एस फोर ये कौन सा रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं यहां सी एच टू आ जाएगा सी एच टू सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू इंटरमीडिएट बनता है इनऑल इनॉल एक इंटरमीडिएट बनता है अब आप जानते हो ये एक इनॉल है तो टॉटोमेराइज हो जाएगा, टौर्टो मेराईज, टौर्टो मेराईज हो जाएगा तो जब होगा इधर, इधर, तो बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री बन जाएगा टू ब्यूटेनोन अच्छा इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा फर्स्ट आंसर चला जाएगा नेक्स्ट एच का प्रोपीन के का तो एच ओ सीएल एच ओ सी एल पॉजिटिव नेगेटिव पहले अटैक किसका होता है इलेक्ट्रोफाइल का सो सी एल प्लस इन द फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ सी एल प्लस इन द फर्स्ट स्टेप ठीक है विच विल िन सी ट्रिपल बॉन्ड ये अच्छा क्वेश्चन है एच के साथ एडिशन रिएक्शन दे देगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ एसिड बेस रिएक्शन दे देगा सोडियम के साथ एसिड बेस रिएक्शन दे देगा बट इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन नहीं देगा एन के साथ क्योंकि अगर आप कराओगे भी तो देखो क्या बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए एच प्लस क्या बनना चाहिए वॉटर ये बनना चाहिए अब आप जानते हो ये वीक एसिड है और उससे कहीं ये ज्यादा स्ट्रांग है तो वीक एसिड स्ट्रांग एसिड नहीं बनाता है स्ट्रांग एसिड वीक एसिड बनाते हैं तो यहां पे प्रॉब्लम हो गई है सोडियम के साथ दे देगा क्योंकि सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा तो वो तो हो जाएगा ठीक ब्रोमो ईथेन, यस, yes. CH₂Br, CH₂Br. अब इसमें एल कोहाली को हज डाला है, एल कोहाली को हज, बेस डाल दिया, तो यहां H है ही, यहां भी H है, तो देखो, टू मोल्स ऑफ HBr निकल सकता है, ठीक है? वैसे तो इसमें NH₂ भी डालना चाहिए, बट हो जाएगा रिएक्शन ऐसी बात, क्योंकि ऑप्शन उस तरीके से है ना? एक एच बी आर निकालोगे एक डबल बॉन्ड दूसरा एच बी आर निकालोगे दूसरा डबल बॉन्ड तो क्या बन जाएगा एसिटलीन एसिटलीन बन जाए कौन सा आंसर चला जाएगा हमारा सेकेंड डिस्टिंक्शन इन पेंटीन वन पेंटाइन वन पेंटीन वन पेंटीन वन और पेंटाइन वन तो ये क्या है एसिडिक है एसिडिक है तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सॉल्ट बनाएगा सी यू टू सीएल टू के साथ सॉल्ट बना देगा सोडियम के साथ बना देगा पोटेशियम के साथ बना देगा तो देखो ये रिएक्शन हो जाएगा ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में क्या है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है अमोनिकल AgNO3 इससे रिएक्ट तो कर जाएगा इससे नहीं करेगा तो इससे हम डिस्टिंग एच सी एल दोनों के साथ ऐड हो जाएगा बी आर दोनों के एस टू फोर दोनों के साथ, साथ रिएक्ट कर सकता है एडिशन रिएक्शन ना? नेक्स्ट वन फंक्शन ऑफ एल सी एल थ्री फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो क्या बनाता है इलेक्ट्रोफाइल जैसे ये है एल सी एल थ्री ये लुइस एसिड लुइस बेस रिएक्शन ये निकला यहां से ये क्या बनाता है पॉजिटिव प्लस एल सी एल फोर नेगेटिव तो ये क्या हमारा है इलेक्ट्रोफाइल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट ठीक है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है बेंजीन रिएक्ट विद दिस तो बेंजीन हो गया बेंजीन लो ये हो गया फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया CH3C डबल बॉन्ड OCl AlCl3 के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन तो ये क्या बना रहा है इलेक्ट्रोफाइल बना दिया इसने एसाइल कार्बोकेटायन ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा एसिटोफिनोन बना देगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री फिनोन एसिटोफिनोन बना देगा ये बन गया हमारा एसिटोफिनोन ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं एसाइलेशन प्रोसेस ये अच्छा है जैसे देखो प्रोसेस देन डायरेक्ट एलकाशन जैसे मान लो हमें मैं अगर मुझे ना अगर मुझे बनाना है इथाइल बेनजीन मान लो बना अरे यार इथाइल बेनजीन बनाना है तो मैं अगर इस पर कर दूं C2H5Cl एल थ्री का रिएक्शन तो ठीक है इथाइल बेंजीन तो बनी रहा है इथाइल बेंजीन बट आप जानते हो कि इसका प्लस एच इफेक्ट होता है तो ये फर्दर फर्दर रिएक्ट कर सकती है फर्दर रिएक्ट कर जाएगी और फर्दर रिएक्ट करके पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉली एल्काइलेशन प्रोडक्ट या यहां पर पॉली एलकाशन प्रोडक्ट देख क्योंकि पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो गई पहले बेंजीन था अब इथाइल लग गया तो प्लस एच इफेक्ट तो डेंसिटी बढ़ जाएगा तो फर्दर मतलब तो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ गई तो पॉली तो अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं तो बेस्ट यही रहेगा कि पहले इसका एसाइलेशन कर दू सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ए एल सी एल थ्री तो क्या बना देगा पहले तो ये एसिटोफिनोन बनाएगा एसिटोफिनोन अब इसका रिडक्शन कर दो अब इसका रिडक्शन कर दो ये हो गया एल्कोहालिक के ओ एच और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या मैंने करवा दिया वुल्फ किशनर रिडक्शन कार्बोनिल को किसमें चेंज कर देता है Elkine में सी एच थ्री क्यों अब इसमें पॉलीएल्काइलेशन क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट है माइनस आर

आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड नेक्स्ट वन विच आर फॉलोइंग नॉट फॉर्म बाई ऑर्थोजाइलिन तो देखो ये भी हो सकता है और ऑर्थोजाइलिन जो है वो ये भी हो सकता है दोनों ही ऑर्थोजाइलिन है तो इसको यहां से यहां से यहां से ब्रेक किया यहां से यहां से यहां से ब्रेक किया तो क्या नहीं आता आ सकता है इथाइल इथाइल ग्लाइऑक्सल तो कभी नहीं बनेगा देखो इथाइल ग्लाइऑक्सल तो कभी नहीं बनेगा इथाइल ग्लाइऑक्सल तो कभी नहीं बनेगा, तो बनेगा। मिथाइल ग्लाइऑक्सल बन सकता है जैसे देखो ये बन रहा है ना मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिथाइल ग्लाइऑक्सल ग्लाई ऑक्सल ये बन सकता है ग्लाई ऑक्सल बन सकता है ना डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सल भी बन सकता है अभी वो, दे, वो दिख रहा है वहां पे ये नहीं बनेगा क्योंकि जब आप ब्रेक करोगे ना देखो यहां से ब्रेक किया ये देखो मिथाइल ग्लाई ऑक्सल दे दिया ये आपको दे रहा है ग्लाई ऑक्सल ये देखो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सल दे रहा है बाकी सब ग्लाई देंगे साइड में तो कभी नहीं आ रहा है साइड में इथाइल कभी नहीं आएगा आप ब्रेक करके देख लीजिएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा इथाइल नॉट फॉर्म्ड नॉट फॉर्म बाय इथाइल ग्लाइऑक्सल इथाइल ग्लाइऑक्सल कभी नहीं आएगा तो नेक्स्ट देखते हैं हम द नंबर ऑफ सिग्मा एंड इजीसा है बिल्कुल तो। पाई ये लो तो कितने सिग्मा दिख रहे हैं सिक्स और सिक्स ट्वेल्व पाई थ्री हो ट्वेल्व सिग्मा और थ्री पाई नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल नेम ऑफ ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं सी सिक्स ना एच सिक्स सी एल सिक्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गमकसीन बोला जाता है स्टेबल कार्बोनियम कार्बोनियम आयन तो देखो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है रेजोनेंस इफेक्ट इसमें क्या है ज्यादा ये हो गया बाकी सब में आप देख लो कम ही होंगे इससे स्टेबलाइज्ड। इसमें एक तरफ रेजोनेंस है इसमें रेजोनेंस ही नहीं है इसमें रेजोनेंस ही नहीं है इसमें रेजोनेंस तो है लेकिन एक ही साइड है तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेट अटैकिंग देखो अटैकिंग और रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन में क्या डालते हैं एच एन ओ थ्री के साथ साथ एच टू एसओ फोर यह किसका काम करता है एसिड का, का काम करता है ब्रॉन्स्टेड एसिड और यह किसका काम करता है बेस का और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन ये हो गया आंसर नेक्स्ट वन फिर से वही देखो एनहाइड्रस एल सी एल थ्री सी एस तो कौन सा रिएक्शन हो गया फ्रिडल क्राफ्ट एलकाइलेन फ्रिडल क्राफ्ट एलकाइलेन नेक्स्ट सोडियम बेंजोएट एट सोडा लाइम सोडियम बेंजोएट क्या होता है ओ एन गया हमारा सोडियम बेंजोएट इस पर सोडा लाइम एन एच प्लस सी कर दिया सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा माइनस ऑफ एन ए टू थ्री तो जो बचा वो क्या बचा बेंजीन बेंजीन बन जाएगा सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराने पर। नेक्स्ट है अटैकिंग स्पीशीज सल्फोनेशन ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एसटीओसो फोर डालते हैं बेंजीन पर तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है जिसमें अटैकिंग रिजेंट क्या होता है एसओ थ्री तो ड्यूरिंग सल्फोनेशन देर इज अटैकिंग स्पीशीज इज एसो थ्री विच इज न्यूट्रल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है एसओ थ्री बेंजीन वह पर मेलेक एनहाइड्राइड बन जाता है इसमें ऑक्सीडेशन है अब इसको तो याद करना पड़ेगा आपको मैलिक एनहाइड्राइड ठीक है मैलिक एनहाइड्राइड ये कुछ इस टाइप का बनता है मैलिक एनहाइड्राइड जब इसको इस टेम्परेचर पर वी टू ए फाइव के साथ इस रट्टे मारने पड़ेंगे इसके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच इज मोस्ट रेडिली नाइट्रेटेड तो बेंजीन ओ एच OH, नाइट्रोब तो इसमें देखो यहां पे प्लस आर इफेक्ट लग रहा है नाइट्रेशन नाइट्रेशन का मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया ई ए एस आर एस आर की बात कर रहा है जनरल तो और एन एस टू का प्लस आर इफेक्ट ओ एच से क्या होता है ज्यादा होता है तो यहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा ज्यादा होगा सो दिस इज द करेक्ट आंसर आंसर चला जाएगा हमारा कौन सा थर्ड ओके नेक्स्ट वन बेंजीन हीटेड तो ये तो याद रखना है क्लोरीन क्या बनाता है C6H5 सिक्स एस बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एनसीईआरटी सभी सब है प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन पहले से ही है ये नाइट्रोबेंजीन है इसका कौन सा इफेक्ट होता है माइनस आर मतलब ये क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इलेक्ट्रोफिलिक एलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो नाइट्रेशन कराया NO2 पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल है मेजरली कहां अटैक करेगा मेटा पोजिशन पे तो so, क्या बन गया NO2 और NO2 बन गया तो so, इसको अगर वन ले लेता हूं टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन थ्री डाइनाइट्रोबेन वन थ्री डाइ नाइट्रोबेन बन गया इसमें कैल डिहाइड्रोजिनेशन एन हेप्टेन है सी एच थ्री सी एच टू फाइव सी एच थ्री दिस इज एन हेप्टेन टिक हाइड्रोजिनेशन डीहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं हाँ, डीहाइड्रोजिनेशन ही लिखा है Cr2O3 Al2O3 के साथ हीट करते हैं तो क्या बनाता है एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है ठीक है तो बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा सिक्स कार्बन का क्या बन गया बेंजीन लेकिन हमारे पास कार्बन कितने हैं सेवन तो जितना होगा वो बाहर चला जाता है बाहर एक बचा हमारा यहाँ पे तो बन गया क्या टॉलोविन इसको क्या बोलते हैं रिएक्शन एनसीआरटी में क्या है इसका नाम क्या है एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन हो गया ये ठीक है ओके तो ये थे सारे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन तो पेपर बहुत ही जैसा इधर एक दो सालों में पूछा गया, जा रहा है ना नीट में इधर एक दो साल में पूछा गया है उस हिसाब से पेपर मतलब बिल्कुल इजी पूछा गया था इधर सालों में और इस बार आप देख रहे हो कोरोना की वजह से क्लासेस व्लासेस तो भाई गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है ना स्कूल स्कूल नहीं खुला है तो मुझे उम्मीद है कि इजी उसी तरह से इजी पेपर आएगा उसी को ध्यान में रख के ये पेपर बनाया गया था ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आपने किया होगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच